काँग्रेसची महत्त्वाची पत्रकार परिषद सुरू आहे, थेट जाऊयात. आज माफी भी मांगेंगे क्योंकि जनता अब जान गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है. कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है. यस प्लीज. आई विल मैम, जस्ट आई विल टेक फ्यू क्वेश्चन आफ्टर दिस क्वेश्चन आई विल. आदरणीय मित्र, आप पहले किसी की जान निकाल लीजिए और जब उसके आखिरी सांस आ रहा हो तो फिर उसे कहिए, अच्छा अब मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, और फिर कहें कि हमने तो नया जीवन निर्माण कर दिया. ये इसी प्रकार से इस देश के अन्नदाता को यातना किसने दी? इस देश के अन्नदाता को 62 करोड़ किसानों और मजदूरों को एक साल से आंदोलन की राह पर खड़ा किसने कर रखा है? मोदी जी ने. इस देश का गरीब किसान और मजदूर तिल तिल कर क्यों मर रहा है? मोदी जी के इन काले कानूनों के अहंकार के चलते. हमारे लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर 12.5 महीने से आंधी में, धूप में, सर्दी में, जाड़े में क्यों बैठे हैं? मोदी जी की के राज हट के चलते. 700 से अधिक किसान अगर मर गए, कुर्बान हो गए, तो उनकी मौत के लिए कौन जुम्मेवार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुम्मेवार हैं. देश के खेत और खलिहान को मुट्ठी भर पूंजीपतियों को बेचने का षड्यंत्र किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा ने किया था. शर्म आनी चाहिए उन सारे मंत्रियों को जो आज श्रेय ले रहे हैं. आज उन्हें अपराध बोध होना चाहिए. आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर से अपना अपराध स्वीकारा है और देश ने यह जाना है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है. मोदी जी का अहंकार हारा तो किसान जीता. भाजपा का किसान के खेत और खलिहान के विरोध षड्यंत्र टूटा तो किसान जीता. मोदी जी और भाजपा के पूंजीपति मित्र जब खेत और खलिहान को नहीं खरीद पाए तो किसान जीता. जब अहिंसा और अनुशासन और संगठन किसान का जीता तो किसान जीता. जब गांधीवादी आंदोलन जीता तो किसान जीता. वो लोग जो किसान को आतंकी, उग्रवादी, अलगाववादी, गुंडे, मवाली, बदमाश, आंदोलनजीवी कहते थे समेत प्रधानमंत्री जी के, आज जब उनको अपने शब्द वापिस लेने पड़े तो किसान जीता. तो ये श्रेय लेने का दिन नहीं. आज उन्होंने अपराध स्वीकार किया है और अब उस अपराध की सजा देश की जनता उनको देगी. यस आदरणीय मित्र, उपचुनाव में जो हुआ भाजपा के साथ वो पूरे देश ने देखा. जिस प्रकार से इन काले कानूनों के बाद पूरे देश में जब उपचुनाव हुए तो एक करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा. जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं को उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो और बाकी हमारे 3 राज्य और हो, वहां हार का मुंह साफ दिख रहा है, तो उन्हें लगा, घबराहट हुई, किसान के द्योड़ी पर झुकने को. उन्हें प्रजातंत्र में वोट सबसे बड़ी चीज है और उस वोट की ताकत ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को यह एहसास करवा दिया कि या तो अब भी अपने षड्यंत्र को वापस ले लीजिए वरना जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी. और उस भय और डर से उन्हें अपने कदम आखिर में 1 साल के राजहट के बाद वापस लेने पड़े. इसीलिए मैंने